सारी छुट्टियां तो तूने घर पे गुजार दी, कुछ नहीं हासिल हुआ तुझे। ओ भाई शादो, मैं क्या करूं, आरा निकल गई मेरे हाथ से। और एनी तू भी ना, बस नाम का पुलिस वाला रह गया। निकल गई हाथ से तो क्या हुआ, गिरफ्त में ले उसे, हिम्मत पकड़। अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता रह गया, किसी तरह एनी शादो ये काम कर, तू फिर जा। भाई एक दिन तो गर्मा गर्मी हो गई थी ना, फिर जाके देख। माँ बाबा ना, वो उसका ससुर बड़ा ही डांट है और बहुत ही बड़ा हिमायती है तायरा का। देखा नहीं था, वो बेटी माँ के खिलाफ बोल रही थी और वो तायरा की हिमायत में। वो तू ऐसे करना, बेहतरा बदल, माँ बन के जा, माँ आना जाना कर। चल ठीक है, चल ही जाती हूँ, लेकिन इस दफा कुछ तोहफे तहफ ज्यादा लेके जाने पड़ेंगे। और तू तो छुट्टियां लेके बैठ गया घर, अब तनख्वाह में ये सारे चोंचले नहीं होते। क्यों फिक्र करती है, ऐसे भी कमी है घर में, छुपा के तो इसलिए रखता हूँ कि लोगों की नजर में ना आ जाए। ले ले जितने पैसे चाहिए। हाँ, दादिया ने फोन करा उसको। देख भी रहमत, मुझे नहीं लगता कि ये गुड्डी आसमान चढ़े। वो हेड मरर लड़का अच्छा है, उसके साथ हाँ कर दे। आईजीआर हेड मरर में जमीन और आसमान का फर्क होता है। भाई हम क्यों ना आसमान से बातें करें, बजाय इसके के इस जमीन पे ठोकरे खाए। अच्छा, आसमान जब गिराता है ना तो जमीन ही सहारा देती है, याद रखी। वैसे कह दिया था मैंने नादिया को, जूस पी। मुंह बंद कर अपना, मेरी जान पर बनी है, तू दांत निकाल रहा है। यार वैसे कमाल बात है, लोग रिश्ता कराने के लिए माल दौलत जायदाद की बात करते हैं, और तेरे ससुर ने क्या मांग लिया आईजी। प्लीज यार हान कुछ कर। मैं क्या कर सकता हूँ, प्यार तूने किया है, और तूने झूठ क्यों बोला। मर्ती देखकर यही रास्ता नजर आया था, तेरे चाचा का नाम ले लिया मैंने, तो अपने बाबा से कहकर उन्हें मना लेना यार। मेरा बाबा चाचा से बड़ा पुलिस वाला है, और वो झूठ को तो पसंद ही नहीं करता, और प्यार मोहब्बत को वो बदमाशी समझता है, समझे। लेकिन यार कुछ तो सोच, कोई रास्ता निकाल, मेरा क्या होगा फिर। ये तू सोच, क्योंकि प्यार तूने किया है। देख इस मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त से काम आता है। तुझे एक बात बताऊं, तू जान मांग 100 दफा हाजिर है, लेकिन खुदा के लिए ये बाबा और चाचा ना मांग, ये मेरे बस में नहीं है। ठीक है, फिर तू मेरा जनाजा उठाने के लिए तैयार रहे। अगर मैं और नादिया एक नहीं हो सके ना, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, समझा तू। ये अच्छी मुसीबत में डाल गया। आप हर बार नाराज हो जाता हूं ये सोच के कि अब जब तक तुम नहीं बुलाओगे नहीं आऊंगा। ये पता नहीं क्यों हर बार कदम खुद ब खुद इस तरफ हो जाते हैं। अलीना कैसी है? हर बार बेटियों का ही पूछती हो, मुझे तो कभी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। आपसे इसलिए नहीं पूछती कि मुझे आपकी मोहब्बत का यकीन है, लेकिन क्या करूं, मेरी ममता बेयकीनी का शिकार हुई है, इसलिए हमेशा बेटियों के लिए फिक्रमंद रहती। तुम्हारी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक है, पर अलीना की तबीयत पहले से खासी बेहतर है।
आप एनी और उमेर को समझाते क्यों नहीं? वो लोग जब यहाँ आते हैं यही जिद करते हैं कि मैं उनके साथ जाऊं। देखो छोड़ो, मैं से पुरानी बहस नहीं करना चाह रहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो तैयार हो जाओ। जी इसमें इतनी हैरत की क्या बात है, तुम बीवी नहीं हो? हाँ, मेरी नादानी को मेरी सजा ना बनाए, वैसे भी अदालत ने तो मेरा साथ दिया नहीं। देखो आज मैं अगर नाराज हुआ भी तो जाऊंगा नहीं, समझे? चलो मॉर्निंग। आज तो बहुत देर तक सोती रही। हाँ आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। अच्छा ये तुम जूस पियो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। वैसे पता नहीं तुम किस तरह की लड़की हो, मैं जितना तुम्हें लिफ्ट नहीं कराती हूँ तुम उतना ही करीब आ जाती हो। तुम्हें बुरा नहीं लगता मेरा रवैया? नहीं, तुमने मेरी खातिर कुर्बानी दी, मोहसिन हो तुम मेरी। लगता है बहुत प्यार करती हो तुम उमेर से। अपनी रूह से कौन प्यार नहीं करता होगा, लेकिन एक बात बताओ, मुझे तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम भी मेरी जात, मेरे वजूद का हिस्सा हो। बातें तो बहुत खूबसूरत करती हो तुम। हाँ अगर तुम यकीन करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यकीन करने पर तुमने मजबूर कर दिया है तो क्यों ना यकीन करूं। थैंक यू सो मच, तुम जूस पियो मैं नाश्ता बना कर लाती हूं। रहने दे वजाहत, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अरे भाई नहीं पहनती तो पहन लेना, इसमें क्या हुआ? देखो ये नाइस आइटम्स। एक्सक्यूज हेलो, या स्पीकिंग, हाउ आर यू? कांट हियर मी। ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, आई कॉल यू। बाहर से फोन। वकास बेटा ये कार रख ले, इमरजेंसी चार्ज कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो, यस दैट विल बी डन, आई विल टेक केयर ऑफ इट। या बड़ी शॉपिंगें हो रही हैं, वो भी इतने महंगे स्टोर में। हाँ भाई हो सकते हैं। आपके हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड या का बिल? तायरा मेरी बात तो हंसते बात सुनी। ये जो मैडम थी, ये कार्ड जो हस्बैंड का था वो भी आए थे? जी सर, इसके हस्बैंड भी आए थे इनके। अच्छा अब मजा आएगा, चल शादो।
Yeah, yeah, I specially take care of that. Fine. Okay. Okay. Yeah, yeah. Okay, bye. Bye. अरे इतनी जल्दी है? चले आप, मैं कह रही हूँ एक दो शॉप्स में और देख, क्या हुआ? संभालो बेटा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था? नहीं सकीना भी, अभी तो अलीना ने नाश्ता तक नहीं किया, बस जूस बनाकर दिया था और वो भी इसने खत्म नहीं किया। अरे ये तो किन्नू का जूस है, इससे क्या होता है? और बनाकर भी फ्रेश लाई थी मैं। सकीना भी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सकीना भी। बेटा ऐसी हालत में दर्द कोई भी अच्छा नहीं होता। एनी तुम जाओ किचन वाले फ्रिज में ना हरे रंग का शरबत रखा हुआ है, वो बोतल लेकर आओ चलती। जी मैं अभी लेके आ। सकीना भी अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। सकीना भी वो ये जूस पीते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। इससे की ना भी अभी ठीक हो जाएगा बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। सकीना ना भी प्लीज बस करो, ये परेशान होना कब तक हमारी जिंदगी इस तरह चूहे और बिल्ली का खेल बनी रहेगी? शादो से क्या ताल्लुक है तुम्हारा, क्यों उससे इतनी खौफज़दा हो? लेकिन शादो का ताल्लुक रहमत से तो है ना, और रहमत का रिश्ता ऐनी से है। सब कुछ बिगड़ गया वजाहत, आप नहीं जानते, आप शादो को नहीं जानते, सरापा इंतकाम है वो औरत। तो अब किस बात का डर है तुम्हें? रहमत के दर पे पड़ी हुई कोई लावारिस नहीं हो, बीवी हो मेरी। खुदा के लिए बस कर दे वजाहत, मत दोहराए इस रिश्ते को जो मेरा जुर्म बन गया है। सजा लगने लगा है मुझे आपका, मेरा ही रिश्ता। क्या मेरे साथ रिश्ता सजा बन गया तुम्हारे लिए? बोलो, नफरत करने लगी हो मुझसे? जवाब चाहिए मुझे, तारे नफरत करती हो मुझसे, सजा लगता है तुम्हारा रिश्ता? वजाहत बात नहीं है। ठीक है फिर तुम अभी मेरे साथ चलो, सारी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थाम के मैं ऐलान करूंगा कि तुम मेरी बीवी हो, निकाह किया मैंने तुमसे, हमारा रिश्ता कोई गुनाह नहीं है। बस करते वजाहत, बस करते प्लीज, ना दोहराए ये रिश्ता। अगर ये सजा है तो सजा ही सही, हम दोनों चुपचाप काट लेंगे ये सजा, मगर इसे जबान पे मत लाइएगा, इसलिए कि अगर हमारी औलाद को इस बात का पता चल गया ना तो ये इसे हमारा गुनाह ही समझेगी। ताहिरा हाँ वजाहत, जवानी का गुनाह तो नादानी समझ कर भुला दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, लेकिन इस उम्र का सवाब भी जमाना गुनाह समझ लेता है। कब्र तक ये बदनामी आपके साथ जाती है, कभी भी ना लाइएगा ये पाकीज़ा रिश्ता अपनी ज़बान पर। शादो बीबी आई है ड्राइंग रूम में बैठा दिया, रानी बीबी से मिलने आई है। समझ नहीं आ रही कि कैसे बताऊं, लेकिन सच तो सच ही होता ना, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो और चाहे उसके सामने जान ही क्यों ना देनी पड़े। शादो मैम
आप कहना क्या चाहती हैं? एनी एक खुदगर्ज लड़की है, वो माँ को अपनी मिल्कियत समझती है। वो ताहरा की शादी को कभी भी दिल से कबूल